नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें एलनाबाद शहर के नज़दीक के खेतों की है, जहां पे आपको बता दें कि आग लगने के कारण सैकड़ों एकड़ पके पकाए फसल जो है वो राख हो चुकी है। अब तक खबर हमारे सामने यही आ रही है कि सैकड़ों एकड़ फसल के अंदर, खड़ी फसल के अंदर आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में जिन किसानों के खेतों के अंदर आग लगी है, तो उन किसानों के दिल पे क्या बीत रही होगी, ये वो किसान ही अच्छे से जानते हैं। और जिन किसानों के खेत के अंदर गेहूँ की फसल खड़ी हुई है, उन किसानों के दिल पे क्या बीत रही है, वो वही किसान जानते हैं। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए, इससे जो है वो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, सावधानी रखिएगा। अगर आप धूम्रपान के शौकीन हैं तो धूम्रपान करते समय एक जगह पर रुक करके जो है वो बीड़ी सिगरेट जो है वो पीजिएगा, ताकि व्हीकल पर चलते समय जब आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उसकी चिंगारी जो है वो खेतों के अंदर ना जा सके। और अगर आप तिल्ली, माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो उसको बिल्कुल बुझा करके ही जो है वो नीचे फेंकिएगा, ताकि किसी तरह की कोई आग जो है वो ना लग सके। और इसके साथ साथ अगर आपके खेत के अंदर ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, तो उसके आसपास भी सफाई कर दीजिएगा, ताकि ट्रांसफार्मर से होने वाले शॉर्ट सर्किट से भी बचा जा सके। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ी और दुखद खबर ये आपको बता दें कि सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जल करके राख हो चुकी है। एलनाबाद के पास की तस्वीरें हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तरीके से ये तस्वीरें, जो देखिएगा किस प्रकार से धुएं का गुबार जो है वो धुएं का एक बादल सा बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और आग की लपटें जो है वो काफ़ी दूर तक दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में आप सबसे फिर से यही अनुरोध करूँगा कि इस तरह से किसानों के खेत में होने वाले नुकसान को बचाने में आप जितना हो सकता है उतना सहयोग कीजिएगा। लाइट लगी है, तो क्यों आगू आई है तो